गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं संस्कृत का पार्ट 11, जिसका नाम है कस्मे और किमर्थम, है ना। तो आज जैसे हम लोग हर बार पढ़ते हैं, आज भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। कैसे? पहले पार्ट के शब्द अर्थ को पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट के अर्थ को पढ़ेंगे। तो चलिए पार्ट को शुरू करने से पहले उस पार्ट के शब्द अर्थ को जानते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब आपको पार्ट का अर्थ पता होगा, यानी पार्ट में आए हुए शब्दों के अर्थ पता होंगे, तभी आप पार्ट के अर्थ को भी अच्छी तरह से जान पाएंगे, है ना। तो पार्ट को शुरू करने से पहले हम लोग उस पार्ट में आए हुए शब्दों के अर्थ को जानते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट को। फिर उसके बाद मैं आपको उसकी एक्सरसाइज दूंगी, जिसको आपको कॉपी में लिखना होगा। लेकिन हमेशा मैं आपसे कहती हूँ क्या, कि एक बार आप रीड करा करिए, उसके बाद उसको बिना देखे लिखने की कोशिश किया करिए, है ना। देख के लिख लेंगे तो वो चीटिंग हो जाएगी, और जब आप बिना देखे उसको रीड करके लिखेंगे तो क्या होगा, जब एग्जाम होंगे आपके, तो आपको उतना प्रेशर नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आप पहले ही एक बार उसे याद कर चुके होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? शब्द, उसके बाद उस पार्ट के अर्थ को। तो आइए पहले जानते हैं पार्ट में आए हुए शब्दों के अर्थ। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 11, जिसका नाम है कस्मे और किमर्थम। तो हर बार की तरह इस पार्ट का पहले हम लोग शब्द अर्थ जानेंगे, उसके बाद जानेंगे पार्ट के अर्थ को, क्योंकि जब आपको शब्द के अर्थ पता होंगे तभी पार्ट का अर्थ भी समझ आएगा, है ना। तो पहले चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट में कौन कौन से शब्द हैं जिनके अर्थ आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ और शब्द होंगे जिनको मैं पढ़ाते समय आपको उनका अर्थ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो देखिए, पहला शब्द ये रखा है कस्मे, जो कि इस पार्ट का नाम ही है। कस्मे का अर्थ है किसके लिए, ठीक है। कस्मे का अर्थ क्या होता है? किसके लिए। फिर है भ्रमणाएँ, भ्रमणाएँ का अर्थ है घूमने के लिए। पठनाएँ, पठनाएँ का अर्थ होगा पढ़ने के लिए। पूजनाएँ, पूजनाएँ का अर्थ पूजा के लिए। वर्षाएँ, इसका अर्थ है वर्षा के लिए। देवाएँ यानी देवता को। तरणाएँ का अर्थ होगा तैरने के लिए। किमर्थम, देखिए ये भी पाठ का नाम में ही था ना, इसका अर्थ है किस लिए। भिक्षुकाय का अर्थ होगा भिखारी के लिए। पुत्राय, इसका अर्थ है पुत्र के लिए। मेघा, मेघा का अर्थ है बादल। नमः, नमः का अर्थ है नमस्कार है। प्रकाशाय का अर्थ है प्रकाश के लिए, और भवति का अर्थ होता है होता है, ठीक है। तो ये सभी हैं इन शब्दों के अर्थ। जब आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो इस पार्ट में ये सारे ही शब्द आएंगे, इसलिए आपको इन शब्दों के अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है और याद करना भी। ये नहीं कि अभी आपने पढ़ा फिर इसके बाद छोड़ दिया, इन शब्द अर्थ को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पाठ के अर्थ को। बालकः गच्छति, बालकः भ्रमणाएँ उद्यानम गच्छति। तो देखिए ये गच्छति, ये ती वाले मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, और ये भी मैंने आपको बताया कि जो जो पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारे ही पार्ट जो पाठ आप पढ़ चुके हैं पिछले पार्टों से संबंधित हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भी वाक्य हैं जिनका अर्थ आप अपने आप भी समझ जा रहे होंगे। तो यहाँ बालकः गच्छति का अर्थ होगा बालक जाता है, गच्छति का अर्थ होगा जाता है। और इससे पहले भी मैं इस शब्द का अर्थ आपको बता चुकी हूँ इससे पहले के पाठ में भी। फिर दूसरी लाइन है बालकः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। बालकः यानी बालक, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, उद्यानम यानी बगीचे में, गच्छति यानी जाता है। तो बालक घूमने के लिए कहाँ जाता है? बगीचे में जाता है, ठीक है। फिर देखिए सीता यच्छति, सीता देती है, यच्छति का अर्थ होगा देती है, ठीक है। सा भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, सा का अर्थ होता है वह, इसके अलावा एक और होता है सह, जिसका अर्थ भी होता है वह, लेकिन ये इस सा का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए, और जो सह जिसमें विसर्ग लगा होता है उसका प्रयोग करते हैं यस पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ होगा वह भिक्षुक यानी भिकारी के लिए, भिक्षुकाय का अर्थ मैंने आपको बताया था शब्द अर्थ में क्या, भिकारी के लिए भोजन को देती है
है ना। देखिए यहाँ पर हर शब्द का अर्थ अलग अलग समझ में आ रहे हैं, बाकी अर्थ मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो इस वाक्य का अर्थ बहुत ही आसानी से आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं जब मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ ऐसे होंगे जिनको इन शब्दों का अर्थ पहले ही आप पता होगा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। माता दुग्धम आन्यति, माता दूध को लाती हैं। सा कस्मै दुग्धम आन्यति, वह किसके लिए दूध लाती हैं। सा का अर्थ होता है वह, देखिए इसे पहले ही मैंने आपको बताया। कस्मै का अर्थ किस के लिए, ये जब शब्दार्थ मैंने आपको बताया तभी बताया था। दुग्धम यानी दूध को, आन्यति यानी लाती हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा, वह किसके लिए दूध को लाती हैं। सा पुत्राय दुग्धम आन्यति, वह किसके लिए लाती हैं, पुत्र के लिए दूध को लाती हैं। देखिए पुत्राय का अर्थ मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था क्या, पुत्र के लिए, है ना। तो इनका अर्थ क्या बताया ना, माता दूध लाती हैं, वह किसके लिए दूध लाती हैं, वह पुत्र के लिए दूध लाती हैं, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है इसका आप अर्थ जान गए, उसके बाद आगे जो दे रखा है चलिए उसको पढ़ते हैं। अक्षता विद्यालम गच्छति, अब देखिए इसमें हर शब्द का अर्थ अलग से ही समझ में आ रहा होगा। अक्षता जो कि इस लड़की का नाम है, विद्यालम यानी विद्यालय को, और गच्छति जाती है। तो इस लाइन का अर्थ क्या आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता लेंगे। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, अक्षता विद्यालय को जाती है, ठीक है। सा तत्र किमर्थं गच्छति, वह वहाँ किस लिए जाती है। अब देखिए सा मैं आपको बता चुकी हूँ, उससे पहले दो मैंने आपको पढ़ाया, दोनों में बता दिया कि सा का अर्थ क्या होता है, इसको कहाँ प्रयोग करते हैं। तत्र आप पहले के पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, सबको अर्थ पता ही होगा वहाँ, है ना। और किमर्थ मैंने शब्द के अर्थ में ही आपको बताया, गच्छति भी बताया। तो कितना आसान है इस लाइन के अर्थ को निकाला, वह वहाँ किस लिए जाती है ना, आसान। फिर इसके बाद है सा पठनाय तत्र गच्छति, पठनाय का अर्थ मैंने आपको बताया था शब्दार्थ में क्या, पढ़ने के लिए। तत्र बता दिया, वहाँ गच्छति यानी जाती है। और सा तो अब आपको एकदम रट ही गया होगा कि सा का अर्थ क्या होता है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, वह पढ़ने के लिए वहाँ जाती है। अक्षिता विद्यालय को जाती है, वह वहाँ किस लिए जाती है, वह वहाँ पढ़ने के लिए जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। अंजलि किमर्थम देवालयम गच्छति, अंजलि देवालयम को हम क्या बोलते हैं, आप देवालय यानी मंदिर को, मंदिर भी आप बोल सकते हैं ना इसको। तो अंजलि मंदिर किस लिए जाती है, यहाँ पर देखिए हर शब्द का अर्थ अलग अलग समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। सा तत्र पूजनाय गच्छति, वह वहाँ पूजा के लिए जाती है। अंजलि किमर्थम देवालयम गच्छति, सा तत्र पूजनाय गच्छति। अंजलि किस लिए मंदिर को जाती है, वह वहाँ पूजा के लिए जाती है। वहाँ कहाँ, किसके लिए बात हो रही है, यहाँ वहाँ के लिए, यस मंदिर के लिए बात हो रही है ना। और देखिए हर शब्द का अर्थ एकदम क्लियर है, मैंने आपको बताया भी और आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो है ना कितनी सरल ये संस्कृत, जो कि आपको बहुत टफ लगती है। चलिए आगे देखते हैं। मेघा किमर्थम भवन्ति, मेघा बोलते हैं हम लोग बादल को, किमर्थम यानी किस लिए, भवन्ति यानी होते हैं, मतलब बादल किस लिए होते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्यों, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। किमर्थम शब्द प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है किस लिए, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बादल किस लिए होते हैं, मेघा वर्षाय भवन्ति, मैंने इसका अर्थ बताया था क्या, वर्षा के लिए। तो बादल वर्षा के लिए होते हैं, है ना कितना आसान। बादल किस लिए होते हैं, बादल वर्षा के लिए होते हैं। मेघा किमर्थम भवन्ति, मेघा वर्षाय भवन्ति, बादल किस लिए होते हैं, बादल वर्षा के लिए होते हैं, है ना आसान। चलिए आगे देखते हैं।
जन कहा कस्मै पुस्तकम आन्यति। जन कहा किसे कहते हैं हम लोग? जनक आपने पढ़ा होगा, जब पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया था तभी, पिता को। कस्मै का अर्थ मैंने आपको बताया ही, किसके लिए? पुस्तकम यानी पुस्तक को, आन्यति यानी लाते हैं। तो जो पिता हैं वो किसके लिए पुस्तक को लाते हैं? सह पुत्राय पुस्तकम आन्यति। देखिए यहाँ पर आया सह। अब सह का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है, जबकि इसका अर्थ भी वह ही होता है। अभी तक आप पढ़ रहे थे सा, अभी ये पढ़ा है सह। तो सह का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए, और यहाँ पर पिता पुल्लिंग है ना, इसलिए उनके लिए ये प्रयोग किया गया है। तो सह पुत्राय पुस्तकम आन्यति, वह पुत्र के लिए पुस्तक को लाते हैं। ठीक। सह किमर्थम तम पुस्तकम यच्छति, वह किस लिए तुम्हें पुस्तक को देते हैं? सा पठनाय तम पुस्तकम यच्छति, वह पढ़ने के लिए तुम्हें पुस्तक को देते हैं। तो देखिए कितना आसान था। हर शब्द को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। केवल बस आपको ध्यान से सुनना है, एक बार घर पे भी फिर से पढ़ना है तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये तो आपने पढ़ ही लिया। अब देखिए, ते कुत्र गच्छन्ति, वे कहाँ जाते हैं? ते तरण तालम गच्छन्ति, वे तालाब को जाते हैं। ते तत्र किमर्थं गच्छन्ति, वे वहाँ किस लिए जाते हैं? ते तत्र तरणाय गच्छन्ति, तो तरणाय का मैंने आपको अर्थ बताया था तैरने के लिए, तो वे वहाँ तैरने के लिए जाते हैं, है ना। तो देखिए ऊपर जो दिया है, पहली लाइन ते, ते का अर्थ होता है वे, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, गच्छन्ति यानी जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं। ते तर तरम गच्छन्ति, वे तालाब को जाते हैं। ते तत्र किमर्थम गच्छन्ति, ते का अर्थ मैंने बताया, तत्र का बताया, किमर्थम आपको शब्द अर्थ बताए थे तभी बताए थे, या फिर गच्छन्ति, वे वहाँ किस लिए जाते हैं। ते तत्र तरणाय गच्छन्ति, वे वहाँ तैरने के लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए देवाय नमः, देवाय का अर्थ हुआ देवता को, नमः का अर्थ हुआ नमस्कार है, तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा? यस राइट, देवता को नमस्कार है। कितना आसान है ना। और आप में से बहुत सारे सोचते हैं कि ये बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल है, ये क्यों होता है, जबकि ऐसा नहीं है, बस एक बार आपको मन से पढ़ना होगा। सूर्यः सूर्यः प्रकाशाय भवति, अब सूर्य सब जानते होंगे, सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। प्रकाशाय का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या? प्रकाश के लिए। भवति का अर्थ बताया था होता है। अब इसका अर्थ तो सबको पता चल गया होगा, पता चला यस, सूर्य प्रकाश के लिए होता है, राइट आंसर। तो देखिए आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर ही दूंगी, लेकिन इसके अलावा जो आपने अभी पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से घर में फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बस एक बार वीडियो देखिएगा, उसको क्लोज करिएगा, बुक ओपन करिएगा, और उसके बाद एक बार फिर से अपने आप पढ़ लीजिएगा बस, और कुछ भी आपको नहीं करना है, बस इतना सा काम करना है, एक बार वीडियो देख के पढ़ना है और एक बार वीडियो ऑफ करके। ओके, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। तब तक मैंने आपको जितना होमवर्क दिया है इतना आपको पूरा करना होगा। क्या करना होगा? यस, वीडियो को खोला है, उसको सुनना है, पढ़ना है, फिर एक बार आपको उसको बंद करना है, अपनी बुक को ओपन करना है, और एक बार फिर से पढ़ना है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जो मैं एक्सरसाइज आपको दूंगी उसको आप बिना देखे भी लिखे, है ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा।